बिहार में चमकी बुखार मासूमों पर कहर बनकर टूटा है। इस बुखार ने अब तक बिहार के कई बच्चों की जान ले ली है। जानलेवा साबित हो रही इस गंभीर बीमारी पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर थे। मासूमों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जाप के कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर लगा उनका नेम प्लेट ही उखाड़ दिया, साथ ही उस पर कालिक भी पोत दी। उधर मुजफ्फरपुर में इस बीमारी का ताजा हाल जानने स्वास्थ्य मंत्री SKMCH पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के कई वार्डों के निरीक्षण किया और डॉक्टरों से बात की। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगल पांडे के घेराव किया। घेराव करने वाले डॉक्टर कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ हुई बदसलूकी का विरोध कर रहे थे। बता दें कि जिले भर में इस बीमारी के चलते अभी तक 60 बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जनों बच्चे इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हैं। से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है मुजफ्फरपुर में। माननीय सांसद पप्पू यादव जब कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, तब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी का आंख खुला है और निरीक्षण पे गए हैं। जल्द से जल्द हमारी मांग है कि अगर उन जितने भी बच्चे मरे हैं उनको अगर राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, और जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज मुजफ्फरपुर में कह सकते हैं कि डॉक्टरों के अच्छे डॉक्टरों के निरीक्षण में अगर नहीं होता है। बताइए कि मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमारा राज्य सरकार इतना बड़ा ढिंढोरा पीटता है और अभी तक इमरजेंसी की सेवा वहाँ नहीं है। हम जल्द से जल्द मांग करेंगे कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर भेजी जाए, जो भी बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो बेशर्मी के अगर हद पार करेंगे मंगल पांडे तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT, अम्हारा बेटा पटना।